बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान चल रहा है, आपको पता है, और सऊदी अरेबिया में रहते हुए तमाम तर परदेसी भाइयों को अगर रेस्ट मिलती है ना टका कर, चाहे कोई दिहाड़ी करने वाला है, रेस्ट का अपना खुद का काम करने वाला है या कोई भी कंपनी वगैरह में काम करने वाला है, आपको पता ही बहुत सी सहूलियत मिल जाती है हमें रमज़ान में। खासकर ये तो ड्यूटी 6 घंटे हो जाती है, रात की कर लें उससे बेस्ट हो जाती है। और उसके अलावा तमाम तर जो भी मामला होते हैं इनको, अभी मदीना में थे हम, लॉकडाउन के आपके मुतल एक छोटी सी बात बता दूँ, उसके बाद आपको। ये सऊदी खातून है जी, इनकी तरफ से 3 लाख रियाल की दैत माफ़ कर दी गई है। दैत समझते हैं आप, मैं आपको अभी बता किस्सा पूरा सुना देता हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। मैं खुद से बहुत खुश हूँ ये अभी ये बात इनकी मुकम्मल तफसील पढ़ने के बाद, इस सऊदी खातून की। तो जब लॉकडाउन चल रहा था रमज़ान में, हम मदीना अल मुनव्वरा में थे, तो सऊदियों को पता चल गया और वो हमारी रहाइश में आते थे। हम काफ़ी बंदे थे पाकिस्तानी सब, तो 7 तकरीबन 6-7 कमरे तो थे हमारे पास, तो हमारी रहाइश पर आते थे शाम को गाड़ियाँ ले लेकर, और जूस और चावल और बहुत सी चीज़ें देकर जाते थे अफ्तारी से रिलेटेड। यानी कि सहूलियत से मुराद मेरा यही था। उसी लिहाज से रमज़ान में शाही माफ़ी भी जारी की जाती है, बहुत से कैदियों को रहाई की कर दी जाती है जिनके खासकर छोटे मोटे केस हों। तो एक सऊदी खातून है जी, और ऐसा केस मुआफ़ शाही जो माफ़ी होती है उसके ऊपर नहीं होता है, जो ये केस है मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये सऊदी खातून है, इन्होंने 3 लाख रियाल मुआफ़ किया है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं आप, उनकी मकतबे अमल बोल रहे हैं, उनकी तरफ से इस बंदे के ऊपर डाला गया था, इसको जेल में कैद किया गया था, या 3 लाख रियाल दे दे या जेल काट ले। तो सफाई सुथराई करने वाला रोड के ऊपर जो होते हैं, आपको पता है बल्दिये के मुलाजम या तो पाकिस्तानी होते हैं या बंगाल या छोड़े यार किसी भी कंट्री का बंदा हो, तो बात यह है कि उसके पास 3 लाख रियाल का, उसके पास वो 3000 रियाल नहीं होते हैं, वो आपको पता है सैलरी उनकी क्या होती है। तो किस्सा कुछ यूं हुआ कि ये सऊदी ने, ये सऊदी खातून है जी, इन्होंने उसे माफ़ कर दिया। फिर किस्सा कुछ यूं हुआ कि ये मिशा से खमीस मशीद का सफ़र कर रही थी जी, मैंने दोनों शहरों का विज़िट किया हुआ है, तो खमीस मशीद का विज़िट कर रही थी, तो रस्ते में इनके साथ इनकी गाड़ी में इनकी एक बेटी और एक बेटा जो कि 18-19 साल, दोनों माशाल्लाह जवान थे और ख़ुद भी मौजूद थी। तो ये सफाई करने वाला रोड के ऊपर सफाई वगैरह कर रहा था, और रोड के ऊपर एक हादसा पेश आया जिसकी वजह से इस सऊदी खातून का बेटा और बेटी, दोनों माशाल्लाह जवान औलाद भाई, तो दोनों जाप हक हो गए। अल्लाह की मर्जी थी, जो होना था वो हो गया, लेकिन जो बाद में भाई पूरी तफसीलात की गई ना, एक चीज़ और आपको क्लियर कर रहा हूँ कि भाई आपका कोई भी रोड एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी किसी किस्म का गाड़ी का नुकसान हो जाता है, उसके ऊपर नजम वाला या शुक्ता आकर मुकम्मल तहकीकात करता है, मुकम्मल एंड डिटेल निकालता है उस चीज़ की कि ये क्यों हुआ, किसका इसमें कसूर किसका है। सऊदी में आपको पता है ये तमाम तर रूल्स, पर जो मुकम्मल तहकीकात सामने आई उसमें भाई उस सफाई सुथराई वाला जो बंदा था ना, उसका कसूर उन लोगों ने निकाला कि वो रोड के साइड पर खड़ा हुआ सफाई कर रखा था, ये लड़का इधर से क्रॉस करने लगा है, उसको देखकर ये झिझक गया, उसके बाद इसकी गाड़ी किसी दूसरी जगह पर जाकर लगी है और गाड़ी गड्डी खाने लगी है, तो उसको 3 लाख रियाल का उसके ऊपर जुर्माना कर दिया गया था, उसको जेल में डाल दिया गया था। अभी रमज़ान आया तो दोनों, एक बेटी और बेटी, उस खातून की जान हो चुकी थी और ये जेल में था, तो अल्लाह ताला की ज़ात उसको अजर इसका ज़रूर देगी उस सऊदी खातून को। उसने फिर अल्लाह की रज़ा के लिए इस गरीब बंदे को, सफाई सुथराई करने वाले को मुआफ़ कर दिया है, और मुआफ़ करने के बाद इसको रहाई मिल गई है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने देश में वापस जा सकेगा बाइज्जत तरीके से, और मुझे बहुत खुशी हुई है ये वाक़या पढ़ने के बाद, मैंने बोला आपके साथ भी शेयर करूँ। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात हर एक के ऊपर रहम करे, और ऐसे जैसा कि सऊदी खातून ने भाई बड़े दिल का मुजाहरा किया है।